महामानव नहीं है सोनिया, संसद में बोली सरकार, विपक्ष का पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हूँ। इसे लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। वह सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहा है। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कानून के समक्ष सब बराबर है। क्या कांग्रेस अध्यक्ष कोई महामानव है? सोनिया गांधी से पूछताछ पर भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ देर में ईडी के कार्यालय पहुंचने वाली हैं। उनसे ईडी के अधिकारी नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करेंगे। इसके विरोध में कांग्रेस ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। आज विपक्ष के 13 दलों जिनमें कांग्रेस, डीएमके, माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, एनसी, टीआरएस, एमडीएमके, एनसीपी, वीसीके, शिवसेना, राजद और आरएसपी के नेताओं ने बैठक कर सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध किया। जयराम रमेश, कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर बैरिकेड लगा दिए हैं और मीडिया को आने से रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मीडिया को कांग्रेस कार्यालय में आने से रोका जा रहा है। किसी भी अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक गांधीवादी सत्याग्रह हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में मोदी सरकार यह हक छीनने की कोशिश कर रही है। यह कांग्रेस पर नहीं, भारत के महान लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस नेता मणिकांत टैगोर ने एक वीडियो शेयर किया और लिखा, अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय पर पुलिस की तरफ से बारीकी से नजर रखी जा रही है। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनकी प्रतिबद्धताओं की ताकत जानते हैं।